ठीक है, तो अब काम ये है कि अब यहाँ पर इस पेज की ज़रूरत नहीं है, लेआउट भी हमारा सेट हो गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राउट कॉन्फ़िग भी हम सेटिंग कर चुके हैं। अब करना ये कि इंडेक्स में देखिए, ये एक प्रोडक्ट प्रिंट होता है यहाँ से लेकर, अच्छा ये ऐड टू कार्ड वगैरह भी इसी में शामिल है। ये है सिंगल प्रोडक्ट का डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, बाकी सारे उसके कॉपी हुए हैं और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिव है, इसको हमें मद्देनजर रखना है। हर प्रोडक्ट हमारा इसी में प्रिंट होना चाहिए। प्रोडक्ट लाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम एंटिटी को कॉल करते हैं, मैंने कहा यूजिंग सिस्टम, नो सॉरी, अपनी एप्लीकेशन का नाम है हमारे शॉपिंग कार्ड। इसी के अंदर मेरे पास जो है वो एंटिटी मौजूद है, ठीक है, मैं एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगर होम पेज पे और कोई काम है तब तो ठीक है, मैं उसको कंट्रोलर के लेवल पे, क्लास के लेवल पे बनाऊँ, मुझे इंडेक्स पे सिर्फ लोड करना है। ठीक है, अगर कैटेगरी वगैरह भी करनी है तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी काम करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ प्रोडक्ट शो करा रहा हूँ, फिर कैटेगरी भी शो कराते हैं। फिलहाल मैंने कहा भाई माई शॉप डी बी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट डेटाबेस के डी बी करके बना लिया, इक्वल टू न्यू, ओके, वेरिएबल पी इक्वल्स टू डी बी डॉट टी बी एल प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट, बिकॉज आई नीड ऑल द प्रोडक्ट्स टू काउंट, ओके जी, एंड देन व्यू बैग डॉट पी इक्वल्स टू पी, ठीक है जी। तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स मौजूद, कोई प्रॉब्लम? हम यहाँ पर पहुँचे, इस जगह पर आकर एट द रेट फॉर ईच का मैंने एक लूप लगाया, मैंने कभी वार प्रो इन व्यू बैग डॉट पी, ओके, ये मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज किए और इसके बीच में पूरा सिंगल डिव मैंने पेस्ट कर, ठीक है भाई। तो अब यही वाली प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हो रही है मुझे कई बार, जितनी बार भी मेरे पास डेटा है, तो मैं नीचे के जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं उन सबको मैं हटाया दूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का नोट कर ले कि क्या कोई ऐसी आईडी वगैरह तो नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट कुछ, तो ज़रा गौर कर लें, ऐसा होता है कुछ टेम्पलेट में कि भाई आईडी दी हुई होती है, फर्स्ट आइटम ऐसा नज़र आएगा और लास्ट आइटम ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, तो बज़ाहिर तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, ठीक है। मैंने बाकी प्रोडक्ट्स को सिंगल प्रोडक्ट और ये आखिरी सिंगल, ठीक है, डिव का ख्याल रखें कि आपका डिव कहीं भी गलत क्लोज ना हो। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया अभी सिंगल, ठीक है, इसको मैं ज़रा रन करके देख लेता हूँ कि भी आउटपुट कैसा जनरेट हो रहा है। जी तो देखें कितनी प्रोडक्ट्स शोइंग, तीन हमारे पास डिव नज़र आ गए, इसका मतलब तीन प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हुई भी है, ओके। नाउ वी विल रिप्लेसिंग सम थिंग्स लाइक एड टू कार्ट का बटन है, सी डिटेल है, इट्स ओके, ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी, जो भी इसका नाम है प्रोडक्ट का, अब यहाँ पर हम पास कर देंगे डॉलर प्रो एट द रेट प्रो डॉट, वहाँ पर हमारे पास पी नेम है प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पर आगे रिफ्रेश करके देख ले तो हमारे प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर शो हो जाने चाहिए, जो कि हो गए क्रिकेट बैट, ACCB प्रो और शूज, ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह अभी जो जा रहा है सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML, ये हमें बाद में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आ रही है उसकी प्राइसेस, इस जगह पर मुझे प्राइस चाहिए, डॉलर मैंने लिखे रहने दिया, डॉट डॉट भी लिखे रहने दिया, एट द रेट प्रो डॉट पी प्राइस मेरे कॉलम का नाम है, उसको लिखने के बाद मैंने रिफ्रेश करके देखा, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस मेरे पास आ गई। अभी कई सारे डॉट डॉट आ गए क्योंकि वहाँ से भी मुझे ये ऑलरेडी मनी की वजह से, ठीक है, काफ़ी महंगा क्रेडिट बैड है हमारा। अब डॉलर की जगह हम यहाँ पर रुपीस लिख देते, ठीक है, ताकि कुछ थोड़ा सा, ठीक है जी, ऑलराइट। और यहाँ पे हमें ये करना है कि भी लिंक हमें देना है, ठीक है। अब लिंक कैसा चाहिए? लिंक हमें इस तरह से चाहिए कि भी यहीं पर हम इसी कंट्रोलर में रहते हुए सिंगल प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे, इसी कंट्रोलर में रहते हुए सिंगल प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिंक देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर URL.action हमने पास किया,
ठीक है, और इस एक्शन में हम बताएंगे एक्शन का नाम, एक्शन का नाम। तो मैंने कहा भाई सिंगल के पेज पर ये चला जाएगा, ठीक है, कॉमा, अगर कोई राउट वैल्यू देनी है तो न्यू करके हम वैल्यू पास कर देंगे भाई आईडी बराबर है, ठीक है, क्या पास हुआ आईडी बराबर है वन के। अब वन नहीं देना है यहाँ पे मुझे, यहाँ पर हर बार कोई डिफरेंट आई तो मैंने एट द रेट प्रो डॉट पी आई डी, तो ये उसकी करंट आईडी पास हो जाएगी। देखते हैं चला करके इसका क्या आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन मैंने डिलीट कर दी थी इसलिए वो हाइपर रेफरेंस की ये लगा दिया, तो हमारे पास पेज के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर अब डिफरेंट एक सिंगल, देखिए यहाँ एंकर का टैग लगा है जिसपे यहाँ होवर करके हम नीचे देखें तो इसपे सिंगल के पेज पर जाएगा होम के कंट्रोलर में, सिंगल का एक्शन और वन लेकर जाएगा आईडी, ये अपने साथ टू लेकर जाएगा और ये थ्री, क्लिक करते हैं दे देंगे आईडी थ्री। तो सिंगल पेज वाला काम हमने कर लिया, अगर इसको इसके होवर पे भी करना है वैसे तो नहीं करना, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे थोड़ी देर में शॉपिंग कार्ट। अभी एक और सवाल है कि इमेजेस डिफरेंट है, इमेज चाहिए हमें, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वी आर ऑलरेडी इन अ लूप, हमें उसकी प्रोडक्ट की स्टॉप करना।